भैया आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष क्या लिखते हो? कतलम। असलम। कतलम। कतलम। हाँ। तो आप कहाँ पढ़ रहे थे एक्चुअली? छोटे में पढ़ा था, पहले से लेते KG 1 से एबीबीए फर्स्ट ईयर तक, और अभी कोई भी हाल नहीं। एक मिनट, आप पढ़े हुए थे? हाँ। आप कितना तक पढ़े फिर से बोले? एबीबीए फर्स्ट ईयर। एमबीबीए? एबीबीए फर्स्ट ईयर। एबीबीए? हाँ, MBA फर्स्ट ईयर तक पढ़े। हाँ। तो आप इतने रोड में किस लिए आ गए? आप तो इतना पढ़े लिखे। काम होता है, माँ बाबू ने मारा पिता इतना भाग गया। मतलब क्या हुआ फिर से बताइए? माँ पिता बाबू जी ने मारा पिता तो खाते भाग गया। किस लिए मारा पिता? कमजोरी में काम होता आता रहा था, गली घूम रहा था, तो आराम करते हुए बैठे हुए। तो आप में आप लोग का घर कहाँ है एक्चुअली? दुर्ग पाटन पाठा गाँव। ये कहाँ पर है? ये दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला। अच्छा, छत्तीसगढ़ जिला में है। तो आप फिर भाग के इधर आ गए? तो इधर आके कुछ काम वाम नहीं मिला आपको? हाँ हाँ, काम नहीं मिला तो काम। ओ, फिर आप फिर क्या हुआ? फिर कितना दिन हुआ ये बात? कितना कितना का है? कितना दिन? साल भर ऊपर हो गया। साल भर ऊपर हो गया? ओहो, तो आप यहाँ पर रास्ते में रहते हैं, आपका तो बहुत सुविधा होता होगा ना? आप लोग का यहाँ पर कोई भी नहीं है? मतलब मैं आपका यहाँ पर कोई नहीं रिलेटिव? नहीं है, होता भी है तो लोग का है, पता नहीं चलता कौन सा परिवार है। ओ, अच्छा अच्छा। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, आपका आप इतना दिन से अकेला रहते हो, आपका माथा में तो खुद तो चल रहा होगा क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ, और तो क्या क्या कहना चाहते, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बारे में कहना चाहता हूँ, वैसे भी बहुत कमजोरी है, जो मैं आज तक बच्चा नहीं पा सकता। अच्छा, भगवान की दुआ इसलिए डबल हुआ। और एक बार बताइए क्या बोला आप? भगवान ने बचाया तो बचा हूँ। अच्छा, मतलब सबको आप दुआ देने चाहते हो? हाँ। कि ताकि सब कोई अच्छा जी सके, आप सबका माता पिता अच्छा हो। हाँ। वही बोलना चाहते हैं आप? हाँ, वही। ठीक है, तो आपके लिए अभी तो आपका बहुत जीवन पड़ा है, आप क्या करेंगे क्या करेंगे इसके लिए? कुछ चिंता की आप? जिंदगी मिल जाए तो सिर्फ शौक से जी सकते। अच्छा, जैसे माँ बाप से आस जुदा हुआ तो आप लोग परिवार से समझ दीजिए, आपको परिवार चाहिए। और आपको आप तो एक काम भी कर सकते हो ना, आप मतलब जो कोई काम करके आप एक घर में आप भाड़ा भी रह सकते हो। हाँ। तो मतलब आपको काम करना चाहिए ना, क्योंकि रास्ता में आप रहेंगे, आपका बहुत जीना बाकी है, अभी भी बहुत ऐश करना बाकी है, तो आप रास्ता में जीके तो आपका बहुत खराब भी होगा ना, आप कुछ काम भी कर सकते हो। तो मतलब आप कुछ सोचिए ऐसे काम के बारे में? काम तो मैं होता संबंधित काम से लगा हूँ। अच्छा, इधर पहले से खेती किसानी जो काम करता था, माँ पिताजी की नौकरी बाहर से मतलब पद्धति गए थे तो आ गए थे। अच्छा अच्छा, सर्विस से पिताजी कहीं जाते थे तो कुछ जोर मजा से सर्विस से कुछ हो जाता था, जोर मजा से देखा जाता था, पाँच में देखा काम होता था। जैसे हम गांव के पाँच अपना गांव दो वहाँ चार गांव वहाँ पर जाम गाँव में काम होता कर रहे थे, तो करीब 2-2.5 हज़ार रुपये देते थे, तो निकल जाता करीब 9-10 हज़ार। आप पीते रहिए, पी लीजिए। आप इतना तक पढ़े, आपके पास कुछ होगा सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट कॉलेज में मिलेगा और घर में जो है उसमें मिल सकता है आपको। मतलब आपके पास कुछ है अभी? अभी हमारे पास कुछ नहीं है, आपको घर जाना पड़ेगा। हाँ, घर जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई मौका दिया जाए आप घर जाके ले आने से, आप सकेंगे? मैं तो अभी ला नहीं सकूँ, मेरे घर परिवार में महाभारत युद्ध चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ नहीं कर सकता, उसे ताकत आया था तो मुझे बहुत खो जाता था, बुरी तरह से मार दूंगा काट दूंगा करके, तो ऐसे मेरे पिताजी ने बुलाया था, तो उन्होंने आया तो बहुत मारा काटा, और इधर से उधर से धोता पीता होके कोई भी
साथ थे और मेरे साथ 10 पिताजी थे, मार कर सुला दिया गया था। 2-3 साल के करीब बाप रे बाप, आज जी रहा हूँ तो भगवान की दुआ जी रहा हूँ। जब जब खड़े होता हूँ तब तब मेरा बुरा हाल, मैं सोचा हूँ कि कमजोरी इलाज हो जाए तो नहीं जिंदगी जी सकता, लेकिन उसमें भी काल है। बच्चा को बोलते हैं कि कमजोर से, लेकिन डॉक्टर और डॉक्टर खुदा के रूप में अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन दुआ पर दुआ में हमें कोई कुछ नहीं मिलता है। भगवान ने बोला कि डॉक्टर साहब से कहिए ठीक हो जाएंगे तो आपको जिंदगी मिलेगा, तो इसीलिए हम दुआ मांगते जी रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपको, हम लोग की तरफ से आपका पूरा दुआ है। हम लोग की तरफ से आपका पूरा दुआ है। आप काम कीजिए, काम करके कुछ पैसा बचाइए, पैसा बचा के आप एक भाड़ा रूम में रहिए, ठीक है? ऐसा करके आपका फिर सुखी हो जाएगा आपका जीवन, ठीक है? और आपके पास अगर कुछ रहता है, मतलब वो रहने से आपके लिए जो भी कर सकेंगे हम लोग करेंगे, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। Here you can see the man had gone through many tradition, many the man has gone through many terrible situations, like his mother and father they just kicked him out because he did something wrong, and he just with the fear of that mom and dad will like beat him or something like that. And then he came from the Chhattisgarh city to Tinsukia in train. He just came out here just being scared of his mother and father. Now he have only one thing on his mind, like he says that he every time he want to stand up on his feet, something bad happens with him. And right now he lost every hope, every single hope. But what he can do is that he can only create the hope that he should live well. Let's see. And he told that now he actually, you know what, he started reading and finished his high school, finished in college, like he read up to BA first year, and a man who is so educated at last came the road. So it's really a very horrible situation. We gave him some suggestion that we can do whatever we can, we will do. And we are trying our best to make these guys out here from the street to live a better life. Thank you.